पोंग बांध विस्थापितों के हकों को दबाकर रखा गया था, जिसे हमने खुलवाया है। पोंग बांध विस्थापितों को मुरब्बे नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार विस्थापित जनप्रतिनिधियों से कर रहे थे। इसी के मद्देनजर हमने प्रदर्शन किया और सरकार जगी तथा इस दबे मामले को खोला गया। ये बात देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कही। पोंग बांध विस्थापितों के हकों को दरबार में रखा गया था, जिसे हमने खुलवाया है। पोंग बांध विस्थापितों को मुरब्बे नहीं मिल रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार विस्थापित जनप्रतिनिधियों से कर रहे थे। इसी के मद्देनजर हमने प्रदर्शन किया और सरकार जागी तथा इस दबे मामले को खोला गया। ये बात देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कही। होशियार सिंह ने कहा कि वर्ष 1970 में पोंग बांध निर्माण के दौरान 25,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे, जो पिछले लंबे समय से अपने हकों से महरूम थे, जिन्हें न्याय दिलाने के लिए हमने आवाज बुलंद की है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में दिल्ली में भी बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के राजस्व सचिव सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे, जिसमें हमने पोंग बांध विस्थापित का पक्ष रखते हुए सरकार से कहा है कि या तो पोंग बांध विस्थापितों को मुआवजा दिया जाए, या फिर राजस्थान में जहां श्रीनगर में उन्हें भूमि आरक्षित की गई है, वे ही उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जाए। मैं कहूंगा इस बारे में कि ये पहले ठंडे बस्ते में था, अब तो ये ऊपर बाहर उभर के बाहर निकला। हमारे इस आंदोलन के बाद सरकार ने इस बात को समझा कि वाकई हमारे 25,000 परिवार जो उजड़े 1970 में, उनके क्या दशा और क्या उनके हालात है, ये सरकार ने समझा। और मीटिंग हुई दिल्ली, हमारे रिवेन्यू सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी व प्रवीण टाग जी, हमारी टीम ने वहाँ मीटिंग की है और हमने यही डिमांड रखी है कि हम लोगों को जो है कंपनसेशन दिया जाए या गंगानगर में ही मुरब्बे दिए जाए एज पर एग्रीमेंट। तो इस पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है और साथ ही में हाई कोर्ट में भी हमने पटिशन फाइल की है इस बारे में। तो ये ठंडे बस्ते में कतई नहीं है, ये टाइम से के हिसाब से जो है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और हमारे लोगों को जो है इसका इंसाफ मिलेगा। कार्यक्रम में एक बार वक्त चलाए छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।